हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन। क्रोमेटिक एबरेशन ऑफ लेंस कैन बी करेक्टेड बाय। क्रोमेटिक एबरेशन क्या होता है बच्चों? जिसके अंदर हम लोगों की, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होती है किसी भी लेंस के लिए, 1/f का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2μ-1/r। सो डिपेंड करता है म्यू पर। सो एफ इज डिफरेंट फॉर दी डिफरेंट ऑफ कलर। जिसका म्यू सबसे ज़्यादा होता है उसका एफ सबसे कम होता है। ऐसे बोल दो, जिसका लैम्बडा सबसे कम होता है उसका एफ सबसे कम होता है। क्योंकि जिसका लैम्बडा सबसे कम हो गया म्यू उसका ज़्यादा हो जाएगा। लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू 1/μ। तो जिसका म्यू कम उसका लैम्बडा ज़्यादा, तो उसका एफ कम, सॉरी, जिसका म्यू ज़्यादा, जिसका लैम्बडा ज़्यादा उसका म्यू कम, और जिसका म्यू कम उसका एफ ज़्यादा। तो एफ ज़्यादा किसका होता है? जिसका लैम्बडा ज़्यादा, यानी कि वॉयलेट कलर का। वॉयलेट कलर का ज़्यादा होता है किससे? रेड कलर से। तो जो लाइट आती है, देखो आप यहाँ देखो, वॉयलेट कलर यहाँ मिल, वॉयलेट कलर जो है ज़्यादा डिस्टेंस पे मिल रहा है और रेड कलर कम डिस्टेंस पे मिल रहा है, ऐसे। तो ये सेपरेशन हो जाता है। इस सेपरेशन को हम बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। अब ये बात आती है कि इसको दूर कैसे करें। तो हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट लेंस को कॉम्बाइंड में करते हैं। एक कॉन्केव हो गया और एक कॉन्वेक्स लेंस को हम कॉम्बाइंड में करते हैं। जैसे कॉम्बाइंड करेंगे तो एक क्या करेगा, यहाँ दिखा रखा है आप लोगों को, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखना, ये तो हो गया। अब अगर इसी को अपन यहाँ से देखो इस तरह से, तो ये तो हो गया आपका जिसका लैम्बडा 1/ फोकल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा। तो फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, सॉरी, फोकल लेंथ ऑफ रेड इज मोर देन द फोकल लेंथ ऑफ वायलेट, सॉरी गलत लिख गया पहले मैं, ये सही है। इसका मतलब अगर अपने पास कलर आता है इस तरह से, ठीक है, तो वो यहाँ मिलता है एक और एक कलर यहाँ। तो ये हो गया आपका वायलेट और ये हो गया आपका रेड। तो यानी कि रेड का फोकल लेंथ ज़्यादा होता है वायलेट का, तो इसे बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन, ठीक है। अब इसको दूर करना हो तो हम क्या करते हैं, डबलेट यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉन्केव। तो बच्चों इससे क्या होता है, जो इफेक्टिवली डेल एफ हो जाता है वो जीरो हो जाता है। इफेक्टिव डेल एफ क्या हो जाता है? जीरो। तो उसी को हम बोलते हैं अक्रोमेटिज्म। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, सूटेबली कॉम्बाइनिंग विद द अदर लेंस। सी ऑप्शन इज करेक्ट। ऑल द बेस्ट।